लखनऊ से खबर है, जहां कल हुए कप्तानों के तबादले ने ऊहापोह की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ट्वीट के बाद भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दो जगह की चेन टूटने से असमंजस की स्थिति है। पुलिस कप्तान अगर ट्रांसफर ले तो दूसरी जगह कैसे अपना पद ग्रहण करे, क्योंकि वहां के कप्तान की स्थिति भी अभी ऊहापोह की है, कंफ्यूजन में ही है। गाजियाबाद SSP के रहते KS इमैनुअल कैसे पा सकते हैं चार्ज, तो वही जोगेंद्र कुमार अगर इलाहाबाद ज्वाइन करते हैं तो KS इमैनुअल कहाँ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, जो तबादले किए गए हैं, इसके जो एक चेन बनती थी, यानी कि जहां जिसका तबादला करके भेजा गया है वहां वाले जो पहले से मौजूदा कप्तान है वो कहां जाएंगे, ये बात साफ नहीं है। तो सिफारिश में माहिर पुलिस कप्तान फिलहाल जुगाड़ लगाने में जी जान से चुके हैं। कल तबादलों की लिस्ट आते ही जुगाड़ का खेल और सिफारिश का खेल और तेजी से शुरू हो गया है। कई पुलिस कप्तान लगातार फोन गुनगुना रहे हैं तबादला रुकवाने के लिए या फिर मनचाहा जिला पाने के लिए फोड़ मची हुई है। और इसी बीच यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो गई है कि किसे कहां चार्ज संभालना है और किस जगह से यहां पर दूसरे को यहां पद ग्रहण करना है। तो फिलहाल जो ट्वीट भी कर रहे हैं, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें सब जानते हैं कि तबादलों का खेल खासतौर पर पुलिस विभाग में कितने बड़े पैमाने पर चलता है। तो उसका ही नतीजा है कि अपनी मनपसंद जगह पाने के लिए फिलहाल जोर तोड़ चल रहा है। तो मंजिल सैनी से जुड़ी खबर है, तो मंजिल सैनी ही होंगी लखनऊ की SSP। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मंजिल सैनी ही रहेंगी लखनऊ की SSP। अभी इटावा में SSP है मंजिल सैनी, और इनके यहाँ पर तबादले को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां बनी हुई थी, तो इस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंजिल सैनी वाकई में लखनऊ का भार संभालेंगी। तो एक बार फिर से स्थिति साफ करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि मंजिल सैनी ही यहाँ लखनऊ की SSP बनेंगी, जो इस वक्त इटावा में तैनात है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्होंने इसमें एक बार फिर से जानकारी दी है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा बनी है। ऐसा नहीं कि मंजिल सैनी का ही मामला है, जो बाकी और भी IPS उनको लेकर भी कि तबादले की आपने सूची तो जारी कर दी, लेकिन जो एक क्रम बनता है, जो एक सिक्वेंस बनता है, वो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी एक कप्तान को आप तबादला करके जिस जगह पे भेज रहे हैं तो वहां के कप्तान का पहले कहीं और तबादला होना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिससे साफ नहीं हो पा रही है तस्वीर। फिलहाल मंजिल सैनी को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश जरूर की है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि मंजिल सैनी ही लखनऊ की SSP होंगी। तो UP में ट्रांसफर भी दरअसल एक अच्छा खासा कारोबार है अपने आप में, और खासतौर पर पुलिस की हम बात करें तो मनपसंद चौकी लेने के लिए, मनपसंद जिला लेने के लिए, मनपसंद थाना लेने के लिए यहाँ लाखों लाख का खेल चलता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब चीजें भी इसके बाद से यहाँ चल रही।